अपनी बुराई खुद ही कर रही हूँ कि मैं कितनी 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 गंदी लगती थी। Hi buddies, welcome, welcome back to the channel. I hope आप सभी अच्छे होंगे और प्यार से होंगे। And finally, मेरे ब्रेसेस निकल गए हैं। आप सब लोग इतना बोल रहे थे कि वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ एंड लाइक मुझे आप लोगों को अपनी स्माइल दिखानी थी। फाइनली मैं आ गई एंड आप देख सकते मेरी स्माइल बचपन में ना मेरे मम ने मेरे दांत घिसवा दिए थे आगे के, तो ना एक्चुअली ये इस वजह से थोड़े से ऊपर है, ये थोड़े आगे दिख रहे होंगे आपको, बट वैसे स्माइल अच्छी है। तो फाइनली मेरे ब्रेसेस निकल गए हैं और आप लोगों को जो भी सवाल करना है आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं सभी सवालों के जवाब दे दूंगी। एंड जब मैं लाइक ब्रेसेस स्टार्टिंग में जब मैं लगवाने के लिए गई थी तो मुझे लगा था चलो ठीक है थोड़े से बाहर हैं थोड़े से और अंदर हो जाएंगे तो ठीक है इट्स ओके इतना वो नहीं लगेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। लाइक जब स्टार्टिंग में मैंने इतनी सारी चीज़ें इस एक डेढ़ साल में ना, ऐसा नहीं है कि ब्रेसेस लगना इट्स अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि हमें ना बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। लाइक अगर हम कॉलेज टाइम में लगवा रहे हैं तो कॉलेज में जितने फ्रेंड्स हैं, फ़ोटोज़ लेना, इंटरेक्ट करना, लोगों से बात करना, ये सब चीज़ें ना हम लोगों को थोड़ा सा वियर्ड लगती है जब हम ब्रेसेस लगा लेते हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा तो अनकम्फर्टेबल होता है जब हम बोलते हैं। लाइक हमें बोलने में इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है। और अब मैं जब अपने लास्ट की वीडियो देती हूँ ना, पहले जो मैंने बनाई थी मेरे दांत इतने ज़्यादा बाहर थे, मैं कितनी गंदी लगती थी। मैं अपनी बुराई खुद ही कर रही हूँ कि मैं कितनी 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 गंदी लगती थी। और इन डेढ़ सालों में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम नहीं कर पाते। लाइक हम किसी शादी वेडिंग्स फंक्शन मैंने कोई भी चीज़ अटेंड नहीं की, मतलब मैं कहीं पर भी नहीं गई, सिर्फ घर में रहती थी। और उस टाइम पर थोड़ा बहुत जब मतलब दो तीन महीने बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी उसके बाद, तो मैं घर में ही रहती थी, मैं कहीं पर भी नहीं जाती थी। एक साल और पाँच महीने मैंने जो इंतज़ार किया है उसका फला चल गया। आई होप कि मतलब जो भी आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं या जो भी आप लोगों के सवाल हैं मैं उन सब के जवाब दे पाऊंगी। आई होप एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड लव यू बाय।